यहाँ पे हम सी आउट को यूज करेंगे। मैंने क्या बताया, हम सबसे पहले लिखेंगे सी आउट, देन लेस देन साइन इज टू, फिर ब्रैकेट डबल कोट्स यूज करेंगे। डबल कोट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, शाबाश, द वैल्यू यू ई, वैल्यू ऑफ ए आर वाई इज, ए आर वाई इज, यहाँ पे क्या लिखे, ए आर वाई, देन फिर से दो और उसके बाद एंड एल, यानी इससे क्या होगा, लाइन एंड हो जाएगी। नाउ अगर हम यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं तो आप देखो, द वैल्यू ऑफ एरे इज वेलकम टू हाई टेक्स एस एस शोपियान सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल, यही मैंने वहां पे लिखा है। इट मीन्स दैट कि जो आप यहाँ पे लिखोगे वही कोड आपका आएगा किस में, यानी जो आप इन दो डबल कोड्स के अंदर लिखोगे वही आपको यहाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस का पहला इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज सी प्लस प्लस, सबसे पहले बात करें सी प्लस प्लस की, व्हाट इज सी प्लस प्लस, तो इसमें डेफिनेशन है, सी प्लस प्लस इज ए जनरल पर्पस केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सी प्लस प्लस इज ए जनरल पर्पस, जनरल पर्पस मीन्स इट कैन बी यूज्ड फॉर एवरी डिवाइस, यानी आप इसमें हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, एडवांस के लिए यूज कर सकते हो। तो दिस इज जनरल पर्पस, केस सेंसिटिव, सेकंड इज केस सेंसिटिव। व्हाट इज केस सेंसिटिव मीन, केस सेंसिटिव मीन्स इट varies whether you are declaring the variables or any other data in capital or small. This is called case sensitive. बात आ रही है समझ? So third thing is free form programming language. Free form का मतलब क्या होता है, यानी इसमें कोई प्रोसीजर जरूरत नहीं है कि आप पहले ये करोगे फिर ये करना है, तो there is no procedure required. ये free form है, आप कहीं से भी start कर सकते हो और कोई भी काम करा सकते हो इसे। Now the third thing is that supports object oriented. ये support करती है, free form का मतलब ये है कि ये objects पे काम करती है। आपने और जो मैंने कल भी बोला था कि object oriented किसको कहते हैं, वो नीचे भी आ रहा है अभी definition उसकी। C++ supports the object oriented programming. The four major pillars of object oriented programming oops user in C++ are, तो more major four pillars जो हैं that are inheritance, polymorphism, encapsulation and abstraction. इन चार की वजह से जो है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बाय यूजिंग दीज फोर टाइप्स ऑफ लाइक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, यानी आपने एक पेरेंट क्लास बनाया फिर उसके चाइल्ड्स बना लिए, और वो जो चाइल्ड्स होंगे ना उसके उनके अंदर क्या होती है, पेरेंट वाली क्वालिटी। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स टू मेक ए सिंगल ग्रुप एंड इनसाइड दैट सिंगल ग्रुप यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स एंड यू कैन मेक इट इन मल्टीपल फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है यानी मल्टीपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसी तरह एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन, ये हमें अलग अलग से पढ़ने हैं, लेट अस सी राइट नाउ कि डेफिनेशन क्या है हमारी, तो ये हम अलग से फिर से पढ़ने वाले हैं इनको एक एक करके, और इनके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स भी करने हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट देन वी हैव प्रोसीजरल प्रोग्राम। प्रोसीजरल मीन्स इसमें दोनों चीज़ें होती है, फ्री फॉर्म भी है, प्रोसीजरल भी है। तो दैट इज वाई कि इसको हम बोलते हैं कि ये जो सी प्लस प्लस है ये मिडल लेवल लैंग्वेज है। देखो आगे मैंने लिखा है सी प्लस प्लस इज ए मिडल लेवल लैंग्वेज। ये मिडल लेवल लैंग्वेज है क्यों, एज इट एनकैप्सुलेट्स बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स, यानी जो लो लेवल के फीचर्स है, जो हाई लेवल के फीचर्स है, वो दोनों इसके अंदर है। तो दैट्स वाई इट इज मिडल लेवल। तो सो इट फॉलोज प्रोसीजरल एज वेल एज फ्री फॉर्म, यानी जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो दोनों इसके अंदर ये खासियतें हैं। अब अगर इसकी बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, यानी इसमें ये चार चीजें हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। दीज फोर पिलर्स मेक अप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में ओप्स कहते हैं, ओओपीएस। बात आ रही है समझ? Now let us move to the second section. We have C++ standard libraries. इनको हमने कल भी ऊपर से डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, जो जिस तरह सी में हमने लाइब्रेरीज पढ़ी थी, यानी जन लाइब्रेरीज के जरिए से ही हम बाकी यानी कोड एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड करते हैं, उन लाइब्रेरीज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। बात आ रही है समझ? जो प्रीडिफाइंड होती है, जो कंपाइलर हमारे पास होता है, उस कंपाइलर के अंदर हमारे पास प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज होती है। प्रीडिफाइंड मीन जो वहीं से बताई गई हुई होती है, यानी वो वहीं से कोडेड होती है, बस आपको एक कीवर्ड दिया जाता है तो उस कीवर्ड की मदद से आप उनको इंक्लूड कर देते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। अब इनके तीन टाइप्स है, यानी इनको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। असल में ये सारी क्या स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, और इनकी मदद से क्या करते हैं, डिफरेंट काम अंजाम देते हैं। जैसे मैंने कल भी बोला था कि अगर आपको आउटपुट निकालना है तो उसके लिए आईओ सी ट्रेन, जो कि लाइब्रेरी फंक्शन है,
IO से ट्रिम यानी इनपुट आउटपुट से ट्रिम, इसी तरह इनपुट लेना है तो IO से ट्रिम से। तो इसी तरह हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज है। अब आगे चलते हैं, पहला टाइप जो है दैट इज द कोर लाइब्रेरी इंक्लूड द डेटा टाइप्स, यानी एक लाइब्रेरी जो होती है जो बाई डिफॉल्ट इंक्लूडेड होती है उसमें आते हैं हमारे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लिटरल्स। डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, लिटरल्स क्या है, आज की क्लास में इन तमाम को पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, इनकी थ्योरी सारी। तो यानी इन तीनों को हम डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोर लाइब्रेरी फंक्शन, उस वो पहली वाली है कोर लाइब्रेरी, ठीक है। नाउ सेकंड वन जो है दैट इज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड्स द सेट ऑफ फंक्शंस, दूसरी जो हमारे पास है दैट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड्स द सेट ऑफ फंक्शंस मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स, जिस यानी इसमें इस तरह की फंक्शंस होती है जिनकी वजह से हम मैनिपुलेट करते हैं, यानी सॉल्यूशन ऑफ या उनको बोलते हैं यानी एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड फाइल्स, स्ट्रिंग्स और फाइल्स जिन लाइब्रेरीज के जरिए से हम सॉल्व करते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी इसमें दूसरा टाइप है वो दूसरे टाइप में हमने रखी हुई है। नाउ थर्ड वन इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL इंक्लूड द सेट ऑफ मेथड्स मैनिपुलेटिंग ए डेटा स्ट्रक्चर, यानी ये वाला जो तीसरा टाइप है ये खास करके हमने रखा है डेटा स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए। बताइए समझ, ये आपको समझ आएगा आगे जब हम प्रोग्रामिंग में इनको इस्तेमाल करेंगे, एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी बस आप डेफिनेशन याद रखो, बाकी माना मैं आपको समझाऊंगा प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। नाउ यूजिंग ऑफ C++, अब ये C++ कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। नाउ सबसे पहले बाय द हेल्प ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड एंड रोबस्ट एप्लीकेशंस, यानी इसकी C++ की मदद से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हम बहुत सारे टाइप्स के सिक्योर्ड ये याद रखना, सिक्योर्ड एंड रोबस्ट एप्लीकेशन, सिक्योर्ड मीन्स विच आर सिक्योर, यानी जिनको कोई हैकर हैक नहीं कर सकता आसानी से। Why? Because C++ uses objects. Objects की वजह से हम इनको इनके आइडेंटिफायर बनाते हैं जो कि किसी को पता ही नहीं चलता कि हमने कौन सा आइडेंटिफायर यूज किया। So that makes it more secure as compared to C. Then robust applications. Robust का मतलब होता है वो applications जो कि मतलब easily run होते हैं हमारे systems में। एक तो हो गया ये माना इसका, यानी इजीली रन करना अपने सिस्टम से। दूसरी चीज़ विच आर वेरी यूजर फ्रेंडली, यानी जो यूजर फ्रेंडली होते हैं, यूजर फ्रेंडली मतलब इंसान उनको इजीली यूज कर सकता है। तीसरा माना इसका ये भी है कि दे वर्क्स वेरी फास्ट, क्या करते हैं बहुत ही तेज काम करते हैं, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था अच्छे से। नाउ उनमें कौन कौन से एप्लीकेशन आती है, विंडो एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन हम उन एप्लीकेशन को कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर हम चलाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, दीज आर कॉल्ड विंडोज, ठीक। नाउ सेकंड वन वी हैव क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन आती है जिसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे ये हमारे ब्राउजर्स, ब्राउजर जो हमारा होता है दैट इज क्लाइंट साइड, यानी आपके पास क्रोम है, आपने क्रोम में कोई चीज़ लिखी सर्च करने के लिए, आप जब आपने सर्च किया तो वो सर्वर पे जाता है, बता रही है समझ, तो सर्वर से वो डेटा लेके आता है कि भाई आपने ये सर्च किया इसका रिजल्ट ये है, तो दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर, यानी जिसमें एक क्लाइंट होगा सर्च करने वाला, क्लाइंट कहते हैं जो सर्च करेगा, सर्वर कहते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, बता रही है, तो ये हो गया। नाउ वी हैव डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये है, ये मेरे पास एक डिवाइस है, ये माउस का ड्राइवर है, इसका नाम ही है माउस ड्राइवर, क्या नाम है, माउस ड्राइवर, वायरलेस माउस का ड्राइवर। ये जो मेरा माउस यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो अभी भी चल रहा है, अगर मैं इस ड्राइवर को यहाँ से निकाल दूँ, मेरे दोनों हाथों में यहाँ पे ड्राइवर है और यहाँ पे माउस है, अगर मैं अभी कितने भी क्लिक करूँ ये कोई काम नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं होगी। वाई? बिकॉज आई हैव रिमूव द सॉफ्टवेयर ड्राइव फ्रॉम माई सिस्टम, मैंने सिस्टम से इस माउस की सॉफ्टवेयर ड्राइव निकाली है। अब जब मैं इसको वापस इंस्टॉल करूँगा तो आप देख लीजिए, आप वही माउस मेरे पास है सेम, लेकिन जो ये सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोल सकते हैं कि इसका ड्राइवर, वो मैंने सिस्टम के अंदर लगा दिया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, आप देखो यहाँ पे एक्शन टेक्स प्लेस, यानी हमारे पास नई डेफिनेशन आ गई है, बात सही है गलत है, तो दैट इज कॉल्ड, यानी इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, यानी ये हमारे पास एक डिवाइस है, इसका ड्राइवर हमने बनाया है C++ के, तो ये हम बना सकते हैं C++ यूज करके। नाउ वी हैव एम्बेडेड फ्रेम वायर एटसेट्रा, एम्बेडेड फ्रेम वायर में जिस तरह मैंने कहा बोला था, जैसे MRI सिस्टम, ठीक है, एक्सरे मशीन, वो बड़े बड़े सिस्टम जो बहुत ही अच्छे अच्छे काम देते हैं हेल्थ के रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड हो गए, एम्बेडेड सिस्टम यानी बीच वर्क, मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डवेयर होगा, और दूसरी चीज़ उसके अंदर जो है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्राम यानी दे वर्क्स ऑन प्रोग्रामिंग, बात आ रही है मेरी समझ, यानी बड़े सिस्टम्स
जो काम करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, बस इतना याद रखो, दीज आर कॉल्ड एम्बेडेड फ्रेमवर्क. नाउ वी हैव सी प्लस प्लस बेसिक इनपुट एंड आउटपुट. बेसिक इनपुट एंड आउटपुट का मतलब क्या होता है, सी प्लस प्लस के अंदर हम सिंपली इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं. तो लेट अस सी द डेफिनेशन फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर द कोड. सी प्लस प्लस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज यूजिंग द स्ट्रीम कॉन्सेप्ट. यानी ये जो सी प्लस प्लस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, इनपुट आउटपुट इज एन ऑपरेशन. ऑपरेशन किसको कहते हैं भाई? ऑपरेशन मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज पे कोई भी काम करना, सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यू थिंग, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन. इज यूजिंग द स्ट्रीम कॉन्सेप्ट. इसमें हम स्ट्रीम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम इज द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और फ्लो ऑफ डेटा. इट मेक्स द परफॉर्मेंस फास्ट. इसकी वजह से परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है. क्यों फास्ट हो जाती है? क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है कि भाई ये डेटा जो है आपको बाहर निकालना है. हम पहले ही कह देते हैं सी आउट, आपको बाहर कर रहे हैं, तो ये आउट हो जाता है. इसी तरह जब हमें इन लेना होता है तो सी इन यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये अंदर है. तो इसके लिए ईजी होता है, इट मेक्स द परफॉर्मेंस फास्ट. यानी इससे पहले जब पता है कि करना क्या है तो ईजी तो होगा ही. बात आ रही सर ना. दूसरी चीज इसके अंदर क्या आता है, आप देखो, इफ बाइट इज फ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस. अगर बाइट का फ्लो, यानी ये फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है, अगर ये हो रहा है इस वक्त फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस, मेन मेमोरी से जा रहा है डिवाइस. मेन मेमोरी क्या हो गई? रैम. ठीक है, रैम से अभी डेटा निकल रहा है और वो जा रहा है डिवाइस के अंदर. डिवाइस मीन्स आउटपुट डिवाइस, लाइक प्रिंटर, डिस्प्ले, स्क्रीन. ठीक आ रही है? ठीक बात आ रही है समझ? यानी अगर प्रिंटर के जरिए हम प्रिंट कर रहे हैं, डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ हम इसको आउटपुट कराते हैं ताकि हम देख सकें, तो एट दैट टाइम और ए नेटवर्क या किसी नेटवर्क कनेक्शन पर हम आउटपुट दे रहे हैं. बात आ रही है समझ? जैसे फेसबुक पर आपने पोस्ट अपलोड किया तो अब वो नेटवर्क पर है इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया उसको देख सकती है, तो दैट इज नेटवर्क. बट अगर आप अपनी स्क्रीन पर खाली देखते हो तो दैट इज ये प्राइवेट, तो आप देख रहे हो खाली. ठीक है, तो दैट इज इट. इसी का मतलब होता है, यानी अगर आप दूसरे डिवाइस पे दिखाना चाहते हो, प्रिंटर पे दिखाना चाहते हो, डिस्प्ले स्क्रीन पे या नेटवर्क पे दिखाना चाहते हो, एटसेट्रा, दिस इज कॉल्ड आउटपुट ऑपरेशन. इसको हम बोलेंगे उस वक्त आउटपुट ऑपरेशन, क्योंकि आप अपलोड कर रहे हो और पूरी दुनिया को दिखा रहे हो. बात आ रही है समझ? तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट. अब इनपुट इसका अपोजिट है. देन यानी इफ बाइट इज फ्लो फ्रॉम द डिवाइस टू डिवाइस, लाइक प्रिंटर, डिस्प्ले स्क्रीन और नेटवर्क कनेक्शन एटसेट्रा टू मेन मेमोरी. अब जब आप बाहर से ही डेटा ला रहे हो अपनी मेन मेमोरी में, यानी आपने YouTube से कोई वीडियो ले लिया, Facebook से ही कोई फोटो ले लिया, आप उसको सेव कर रहे हो अपनी मेन मेमोरी में. किसमें कर रहे हो? मेन मेमोरी, यानी अपने डिवाइस में. अब वो मतलब आपके लिए पर्सनल बन गया, यानी आपके लिए खास है, यानी वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई. अब सही है गलत है? तो दैट इज कॉल्ड, यानी आप वहां से ले रहे हो और अपने डिवाइस में सेव कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड रिसीविंग इनपुट फ्रॉम आउटर सोर्सेस लाइक डिस्प्ले, प्रिंटर और नेटवर्क कनेक्शन टू मेन मेमोरी अपनी डिवाइस में. मेन मेमोरी में डिवाइस की मेमोरी नहीं आती है, बट ये मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ. अदरवाइज जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो मेन मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है. किसमें होता है? सेकेंडरी मेमोरी में. तो ये बात आप याद रखना, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि आपने वहाँ से डेटा लिया और अब मेन मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अगर डेटा फ्लो फ्रॉम द डिवाइस लाइक प्रिंटर्स, डिस्प्ले स्क्रीन और नेटवर्क कनेक्शन एटसेट्रा टू द मेन मेमोरी, अगर ये मेन मेमोरी के अंदर आ रहा है, देन दिस इज कॉल्ड इनपुट ऑपरेशन. यानी बाहर से डेटा को लेना, दैट इज कॉल्ड इनपुट ऑपरेशन. आ रहा है कुछ समझ? यस सर. नाउ लेट अस लुक टू द आईओ स्ट्रीम. व्हाट इज आईओ स्ट्रीम? ये अब यही स्ट्रीम है, अब इसमें खाली IO है. What is IO? वो हम आगे देखेंगे. It is used input out, यानी input और output. It is used to define the C out. कौन? IO stream किस लिए यूज होती है? ये जो IO stream है ना, यही library function है जो मैं अभी बता रहा था. Yes. यही library function है. इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम define कर सकते हैं C out, C in and CERR. CERR, तो ये तीन, यानी COUT, असल में हम इसको पढ़ते हैं COUT एंड CIN एंड CERR, लेकिन अब इन दोनों की बन रही है असल में COUT और इसका बन रहा है CIN, इसका नहीं बन रहा है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम लाइक ऑन द बेस ऑफ स्पेलिंग. सो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करते हैं बाय यूजिंग दिस IO stream फंक्शन, यानी इनको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, डिफाइन करा सकते हैं. नाउ Which correspond to standard output stream. इसी की वजह से हमारी वजूद में आ गई है कौन सी स्ट्रीम?
आउटपुट स्ट्रीम, यानी जब हम आउट करेंगे तो उसके आउटपुट स्ट्रीम, एंड देन स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, दूसरी इनपुट स्ट्रीम, एंड देन स्टैंडर्ड एरर सिस्टम, यानी एरर सिस्टम भी हमें इसी से पता चल जाता है, किससे, आईओ स्ट्रीम से। इसीलिए यहाँ पे CERR का मतलब क्या होता है, यानी एरर स्ट्रीम, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली। बात आई, अभी समझ? अब क्या समझे इसे, ये जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, शॉर्ट में हम ये बोलेंगे कि इनकी इसकी वजह से हम तीन फंक्शंस यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तीन ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। पहला वाला जो है सी आउट, दूसरा है सी इन, तीसरा है सी आर आर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम सी आउट। पहला है सी आउट जो कि हमने अभी देखा। द सी आउट इज प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट, प्रीडिफाइंड किसको कहते हैं, जो वहीं से डिफाइन किया होगा। एग्जैक्टली, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अभी कोई बोलेगा सर मुझे COUT यानी COUT जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं लिखूंगा COUS या COUN, कुछ भी, मतलब एक स्पेलिंग चेंज करना चाहे तो इट विल नॉट वर्क। ये प्री डिफाइंड है, वहां से जैसे दी गई है ना, आपको इसी तरह इस्तेमाल करनी है, आप अपना तरीका इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई वी कॉल देम प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम। अब यहाँ पे खाली ओ स्ट्रीम क्यों है, हालांकि ऊपर मैंने लिखा है आईओ स्ट्रीम, यानी पिछले वाले में मैंने कहा ओ आईओ स्ट्रीम। ओ खाली क्यों है, बिकॉज दिस इज आउटपुट, तो आउट के लिए हमें ओ यूज करना पड़ेगा, तो दैट इज आउटपुट क्लास। इट इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है। देखो इसी की वजह से हमारा आउटपुट जनरेट होता है, अगर ये कनेक्ट नहीं होगा हमारे डिस्प्ले के साथ या प्रिंटर के साथ या हमारे इंटरनेट कनेक्शन के साथ, तो हम आउटपुट को देख ही नहीं पाएंगे। बात आ रही है समझ? तो दैट इज वाई ये जो आईओ स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम कनेक्टेड है किसके साथ, आउटपुट डिवाइस है, और वो आउटपुट डिवाइस यानी आईओ स्ट्रीम जो है वो हमारे प्रोग्राम में हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो जब हमने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया तो दैट मीन्स कि वी आर एबल टू डिस्प्ले आवर आउटपुट ऑन द स्क्रीन नाउ, विच इज यूजुअली डिस्प्ले स्क्रीन, यानी अक्सर हम दिखाते हैं ये आउटपुट किस पे, डिस्प्ले स्क्रीन पे। द सी आउट इज यूज्ड इन कंजक्शन, ये सी आउट जो है ये कंजक्शन के लिए यूज होता है। व्हाट इज कंजक्शन, यानी आप सिंपली बोल सकते हो फॉर द कनेक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्शन, ठीक है, यानी एक चीज को दूसरे साथ के साथ कनेक्ट कर सकते। बात आ रही है समझ? तो इस ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी ना वही है, विद स्ट्रीम इंटरसेक्शन ऑपरेटर। इसको हम कनेक्शन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। क्या, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, यानी जिसमें हम लेस देन टू साइन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन ए कंसोल, यानी अपने कंसोल पे, यानी कंसोल कहते हैं डिस्प्ले को सिंपली, यानी जो भी आपका आउटपुट डिवाइस होगा उस पे जब आपको आउटपुट दिखाना होगा, बाय यूजिंग आप सी आउट यूज करेंगे और इंक्लूडिंग विद दिस स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, यानी डबल क्या लेस देन साइंस। आया समझ? नाउ लेट अस सी इन प्रैक्टिकल ये कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे लाइन नंबर वन में हमने हैश इंक्लूड किया किसको, आईओ स्ट्रीम को, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यही स्ट्रीम जो हमने अभी यूज की। देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। नाउ इंट मेन, उसके बाद हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे कैर एक एरे डिक्लेयर की। व्हाट इज कैर, कैर मीन्स कैरेक्टर, ए आर वाई मीन्स एरे, ये मैंने नाम दिया है एरे को। ये एरे वगैरह क्या है इसकी आपको अभी मतलब जो है परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, मैं आगे से फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो दिस इज कैरेक्टर, दिस इज डेटा टाइप, एंड दिस इज द नेम ऑफ द एरे, एंड यहाँ पे हमने लिखा है वेलकम टू हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन शोपियन C++ ट्यूटोरियल्स। तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। देन यहाँ पे फिफ्थ लाइन में सी आउट यूज किया, यही सी आउट, देन ये इंक्लूडिंग विद स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, एंड फिर हमने दिया वैल्यू ऑफ एरे इज, हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ एरे इज, देन ARR ARY, एंड देन एंड L। इससे क्या होगा, जब मैं इसी कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, अब इसी कोड को अगर हम अपने कोड ब्लॉक्स के अंदर लिखते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट अस सी। इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे सेम इसी तरह, तो उससे हमें क्या मिलेगा, यानी वैल्यू ऑफ एरे इज वेलकम टू हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन C++ ट्यूटोरियल। यानी आपके पास टेक्स्ट आएगा एक तो ये चीज वैल्यू ऑफ एरे इज, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा दूसरी चीज। तो यहाँ पे मैं जो है आईओ स्ट्रीम इसका नाम रखूंगा, और कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सॉरी डबल क्लिक हो गया, सो राइट डाउन द नेम आईओ स्ट्रीम, STREAM।
आयो सिट्रीम, बस इतना नाम रखो, इतना काफ़ी है, फिनिश करेंगे और यहाँ पे व्यू के अंदर, देन मैनेजर के अंदर और देन सोर्स पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे यहाँ पे मेन के अंदर आ जाएंगे। चलो आ गए ये प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो आप, मैं इसके साथ यही है ना, हैश इंक्लूड आयो सिट्रीम, अगर आप अपने इसको देखोगे, हैश इंक्लूड आयो सिट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर है इंट मेन, फिर हमने ये ब्रैकेट डाला, तो यही मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये चीजें आ जाती है, ठीक है। अब मेन वगैरह तो आ चुका है, बायलर पॉइंट, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कैर एरे यही लिखना है और इसी के जरिए से हम ये चीज डिक्लेयर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, हम लिखेंगे सी एच ए आर कैर ए आर वाई, जो वहां पे लिखा है ना मैं उसी अंदाज में लिखूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इक्वल टू, यहाँ पे मैं डबल कोट्स यूज करूंगा, आप देख लो यही लिखा है कैर एरे, देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स, उसके अंदर वेलकम टू हाईटेक सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मैं वही लिखूंगा वेलकम टू हाईटेक एस एस शो कैर सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स, सही है, ठीक है, गलत हो गया, टी यू टी ओ आर आई ए एल एस, सही है, ट्यूटोरियल्स, बस इतना मैंने लिखा था ना वहाँ पे। अब देखो आगे क्या लिखा है हमने, यहाँ पे लिखा है फाइव लाइन में सी आउट, यानी यही आउटपुट स्ट्रीम, इसको हम कैसे करते हैं, लेट अस सी, यहाँ पे हम एक बार क्लोज करेंगे, ठीक है, या एंड एल भी यूज कर सकते हैं, तो आई डोंट नीड एंड एल राइट नाउ, वो मैं बाद में बताऊंगा अभी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शाबाश, यहाँ पे हम सी आउट को यूज करेंगे, मैंने क्या बताया, हम सबसे पहले लिखेंगे सी आउट, देखो ओ ओ सिट्रीम वहीं से आ रहा है, देन लेस देन साइन इज टू, फिर ब्रैकेट यू डबल कोड्स यूज करेंगे, डबल कोड्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, शाबाश, द वैल्यू वी ए एल यू ई वैल्यू ऑफ ए आर वाई इज, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फिर से दो, ये देखो सी आउट द वैल्यू ऑफ एरे इज, फिर यहाँ पे फिर से ये दो, फिर एरे लिखना है, फिर से दो, फिर एंड आर, अब देखो यहाँ पे क्या लिखे ए आर वाई, देन फिर से दो और उसके बाद एंड एल, यानी इससे क्या होगा, लाइन एंड हो जाएगी। नाउ इफ आई सेव इट, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ भी नहीं, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज, तो ये हमारा प्रोग्राम क्लोज होता है। नाउ अगर हम यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं तो आप देखो यहाँ पे बता रहा है आपका आउटपुट जो है वो जनरेट हो गया आपकी स्क्रीन पे, द वैल्यू ऑफ एरे इज वेलकम टू हाईटेक SS शोपियन C++ ट्यूटोरियल, यही मैंने वहाँ पे लिखा है। इट मीन्स दैट कि जो आप यहाँ पे लिखोगे वही कोड आपका आएगा, किस में, यानी जो आप इन दो डबल कोड्स के अंदर लिखोगे वही आपको यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ सी आउट के अंदर अगर आप ये वैल्यू वगैरह हटा दोगे तो यू कैन डायरेक्टली डिक्लेयर दिस, तो इसकी इसके बगैर भी आपका डायरेक्टली आ जाएगा और फिर आपको ये भी एक बार हटाने होंगे। If I save it, आप F8 प्रेस करो, यहाँ पे वेलकम टू हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, यानी वेलकम टू हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन गार्गेश ओपे C++ ट्यूटोरियल्स डायरेक्ट आएगा, ठीक है, तो इस तरीके पर भी आप कर सकते हो। लेकिन अब देखो एरर्स जनरेट कैसे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा है ARY, नीचे मैं करूँगा कैपिटल ARY, अब ये मानेगा नहीं, जैसे F8 प्रेस करिए देखो आगे आ रहा है, क्यों, बिकॉज के सेंसिटिव, यहाँ पे ऊपर सुमार किया है, नीचे कैपिटल कर रहे हैं, तो इट विल नॉट वर्क, हो गई एक चीज। अब दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे सी आउट की जगह COUX लिखोगे, बात आ रही है समझ, तो इफ यू सेव इट प्रेस F8 इट विल अगेन नॉट वर्क बिकॉज द वर्ड कीवर्ड इज सी आउट OUT कहा गया, दैट इज COUT, यानी आपको यही लिखना है, ये भी बता रहा था कि ये प्रीडिफाइंड होता है, जो वहां पे लिखा है वही लिखना है। उसके बाद एंड एल का मतलब होता है लाइन खत्म और न्यू लाइन स्टार्ट, बात आ रही है समझ, तो दैट इज इट। अब इसको छोड़ देते हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, यहाँ पे भी कोई एरर आया है, यहाँ है ना इसमें, सो लेट अस एग्जीक्यूट इट, हाँ सही है, ठीक है, वेलकम टू हाईटेक SS ट्यूटोरियल। अब ये तो हो गया, दिस वॉज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, तो इससे हमने क्या सीखा कि हम आउटपुट को कैसे यानी जनरेट करेंगे, समझ आया। इसके लिए आपको खाली क्या लेना है, अगर आप देखो, अब दूसरी चीज़ देखो अगर हम इसके अंदर आ जाते हैं, एंड लेट अस डू वन मोर थिंग, हम और एक चीज़ करेंगे यहाँ पे, दैट इज दिस थिंग कि कैर की जगह हम इंटीजर लेंगे, क्या इंटीजर, और उसका नाम रखेंगे शबश नंबर NUMBER, क्या लिखा मैंने नंबर, और उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, ये मैं आगे दिखाऊंगा कि आपको क्या कहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ये भी आज ही पढ़ने हैं, इंशाल्लाह टाइम बचना चाहिए। तो आपने इंट नंबर ले लिया, अब ले रहे हो 4 5 6 1,
ये आपने नंबर ले लिया, सेव किया, ठीक है। अब आप एंटर करोगे, सेम इसके लिए भी सी आउट यूज करोगे, ठीक हो गया। सी yes, और उसके बाद डबल, शाबाश, ये डबल इंसर्शन स्ट्रीम, ठीक है। नाउ yes, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे नंबर, ठीक हो गया। नाउ उसके बाद अगर आप फिर से एंडल डालना चाहते हो तो बेटर, अगर नहीं तो देन क्लोज इट, क्लोज किया, सेव इट, एफ एट। जब आप एफ एट प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप आपके साथ पास 4561 भी आ रहा है, और यही नंबर हमने वहाँ पे लिखा था, देखो 4561 सही है। अब देखो एंडल की, एंडल से होता क्या है, अभी अगर आप देख पा रहे हो तो व्हाट इज हैपनिंग कि जब मैं यहाँ पे एफ एट प्रेस करता हूँ, मैं ये जो वेलकम टू हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन गार्डन सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल, ये एक लाइन में आ रहा है और 4561 दूसरी लाइन में आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। अगर मैं खाली यहाँ पे एंड एल को हटा देता हूँ, क्या हटा देता हूँ, एंड एल। नाउ इफ यू प्रेस एफ एट, आप देखो ये इसी के साथ में आएगा, ऊपर देखो, ठीक है। तो एंड एल का मतलब क्या होता है, ये लाइन खत्म, दूसरी लाइन स्टार्ट, तो दैट इज कॉल्ड एंड एल। आया आप समझ? तो ये इजी है, ये बेसिक चीजें हैं, ये हजार बार हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, अभी आप बस खाली नजर रखो बेसिक्स पे, जो डेफिनेशन है, क्योंकि आज थ्योरी क्लास है, आज प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा है। सो लेट अस मूव। उसके बाद दूसरी जो है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरीज, यानी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं सी इन शॉर्ट, उसको बोलते हैं सी आउट, उसको बोलते हैं सी इन। एंड द सी इन इज अ प्रीडिफाइंड, ये भी प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ इन स्ट्रीम है, यानी आई स्ट्रीम, बात आ रही है वो थी ओ स्ट्रीम, ये है आई स्ट्रीम। It is connected with the standard input device. Same, ये input device के साथ connected होती है. Input device means keyboard वगैरह के साथ ही connected होती है, ठीक है? Which is usually, देखो, which is usually keyboard, ठीक है? The Cin is used in conjunction with stream extraction operator. Stream extraction. What is stream? उसमें क्या था? Insertion. Stream insertion. यहाँ है extraction. ये इसका opposite है. Extraction operator, यानी जिसको हम बोलते हैं टू ग्रेटर देन साइन इज विदाउट यूजिंग स्पेस इन बिटवीन देम, यानी इन दोनों में स्पेस नहीं डालनी है, ठीक है। टू रीड द इनपुट फ्रॉम ए कंसोल, यानी आप कंसोल से, कंसोल मीन जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जो हमारा वो आता है ना फिर आउटपुट, तो दैट इज कॉल्ड कंसोल, जिसमें ये लिखते हैं प्रोग्राम, तो उसको रीड करने के लिए दैट इज कॉल्ड। अब इसकी मिसाल समझ लो तो इससे समझ आता है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, क्योंकि इनपुट भी लेना है आउटपुट भी लेना है, तो दोनों एक ही लाइब्रेरी में है। अदरवाइज देखो मतलब अगर जो जिसने ये प्रोग्रामिंग बनाई हुई है वो आई स्ट्रीम को अलग यूज कर सकता था और ओ स्ट्रीम को अलग, अब उसने हमें बचाने के लिए एक ही के अंदर दोनों लगा दिए, तो इससे क्या होता है, इससे हमें एक ही फाइल इनक्लूड करनी पड़ती है। अब अगर हमारे पास अलग अलग होती तो, यानी आई स्ट्रीम अलग होती है, ओ स्ट्रीम अलग होती, तो उसके लिए हमें हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम अलग से लेना पड़ता, हैश इंक्लूड ओ स्ट्रीम अलग से लेना पड़ता। अब उसने हमारी मदद की है कि एक ही दे दिया, ठीक है, तो दैट इज बेटर। नाउ यूजिंग नेमस्पेस वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। नाउ थर्ड थिंग इज इंट मेन, यहाँ पे मेन उसी तरह है जिस तरह अभी हमने यूज किया है, मेन तक तो सही है सब कुछ। नाउ उसके बाद है इंट एज, यहाँ पे मैंने एज ली है इस वक्त, क्योंकि इंटीजर लिया है मैंने, तो आप यहाँ पे भी एरे ले सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि हमें अभी यूजर से लेना है, तो दैट्स व्हाई आई टुक एज। नाउ यहाँ पे सी आउट मैंने पहले यूज किया, तो उसमें क्या मैंने यूज किया, एंटर यूर एज, मैं यूजर से ही बोल रहा हूँ कि भाई आप एज लिखिए, अपनी अपनी एज क्या है आपकी, तो जैसे ही वो एज लिखेगा फिर मैं सी इन करूंगा उसको एज में। सी इन का मतलब होता है यानी उसको सेव करो, सेव करो किसके अंदर, एज के अंदर। एज एक वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल क्या होता है, ये आगे आएगा, ठीक है, तो इसको हम करेंगे एज के अंदर सेव। देन थर्ड चीज जो है, अब इसी एज को प्रिंट करेंगे, हम बोलेंगे कि सी आउट यूर एज इज, आपकी एज है एज, यानी जो एज के अंदर स्टोर है वो प्रिंट होना चाहिए। Now let us look to the program. हम आते हैं इसके अंदर, इसको हम हटा देते हैं because we don't need it again. ठीक है, ये हमें चाहिए ही नहीं। तो अब हम करते हैं वो वाला, यानी कौन सा, insert. So उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले शब्द हम लेंगे integer. एक integer लेंगे, उसके अंदर लिखेंगे age. Age का मतलब age. Now यहाँ पे हम लिखेंगे age is equal, ये age में खाली रखूंगा, अभी मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालूंगा. Why? लेकिन बेस्ट यही है कि जब आपको यूजर से लेना है तो खाली रखो, ठीक है, तो ये खाली रखो। अभी अगर देखो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अभी अगर आप इनको देख रहे हो, हमने कैरेक्टर एरे ले ली और उसको इज इक्वल के बाद यहाँ पे वैल्यू दे दिया,
हमने इंटीजर ले लिया और नंबर के नाम से और उसको यहाँ पे इक्वल टू देके नाम दे दिया, यानी नंबर दे दिया, वैल्यू बात आ रही है मेरी समझ। लेकिन यहाँ पे जो मैं है, मैं एज को खाली रखूँगा पूरा, यानी इसके अंदर कुछ भी, क्यों मैं मुझे यूजर से लेना है, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे लिया है इंट एज सिंपली, देन आप सी आउट करेंगे। सी आउट किस लिए यहाँ पे यूज कर रहा है जरा बताओ, यूजर से लेने के लिए। सी आउट इसलिए करेंगे कि यूजर को मैसेज देंगे, मैसेज देंगे भाई आप क्या, आप अपनी एज लिखे, तो सी आउट इस तरह यूज करते हैं। डबल कोट्स के अंदर हम क्या बोलेंगे, एंटर योर एज, एज यहाँ पे आप कैपिटल लिख सकते हो, इट विल नॉट अफेक्ट इन आवर प्रोग्राम, ठीक है। यानी डबल कोट्स के अंदर आप कैपिटल स्मॉल लिख सकते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो अब यहाँ पे हम एनएल यूज करेंगे क्योंकि नई लाइन में वो एज लिखना चाहिए, तो फिर हमारे पास नई लाइन में है, तो लेट अस इंक्लूड दीज टू साइंस एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड एल, सही है, यहाँ तक तो पता ही है। नाउ जब आप जब यूजर एज लिखेगी, क्योंकि ये मैसेज प्रिंट हो जाएगी, देखो अगर मैं इतने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे ये बताएगा एंटर योर एज, लेकिन अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ कहीं पे, तो ये डायरेक्ट एग्जिट होगा, ठीक है। yes, तो sir. उसके बाद क्या करेंगे, सी इन लेंगे, क्योंकि इसी के लिए तो इसके लिए हम सी इन यूज करते हैं, यहाँ क्या बता रहा है, सी इन इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट आई सी ट्रीम, इट इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम कैम खतर टू विच इज यूजुअली अ कीबोर्ड, द सी इन इज यूज्ड कंजक्शन विद द आउटपुट इन, यानी स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर टू रीड द इनपुट फ्रॉम ए कंसोल, यानी इनपुट लेना, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज सी इन विद अपोजिट साइंस, यानी ग्रेटर देन साइंस, एंड देन यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखोगे क्या, एज। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि ये जो यूजर इनपुट देगा उसको आप सेव करना किसके अंदर, एज के अंदर, बात आई समझ, यस सर, हो गई बात खत्म। अब यहाँ पे भी आप एंडल यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप एंडल यूज कर सकते हो बाय यूजिंग, आप यहाँ पे इस तरह ग्रेटर वाली साइन दो यूज करोगे एंड देन यहाँ पे लिखोगे एंड एल, सॉरी एंड एल, सो लेट अस क्लोज इट एंड प्रेस एंटर। और यहाँ पे और एक चीज हमें, आप जब यूज करते हैं क्या, देखो इसको हम सेव करते हैं, लेट अस सी कि वी आर वी गुड, ये देखो ठीक है यहाँ पे हमने सही किया, लेकिन इसके अंदर इसके आगे हम एंड एल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सेव होगा तो ये प्रिंट होने वाली नहीं है, तो वी डोंट नीड इट। अगर आप लगाते हो भी मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज लास्ट लाइन, नहीं इससे पहले, इससे बाद, इसके बाद में और एक लाइन आने वाली है ना, सो वी डोंट नीड इट, वी डोंट नीड इट, सॉरी, ठीक है, तो एक ही बार मुझे लेना है, तो लेट अस सेव इट एंड प्रेस एफ8। देखो आप जब बता रहे हैं ना एंटर योर एज, अब मैं एज लिखूंगा, मिसाल 66 मैंने लिखा, दिखाई दे रहा है, यस सर, तो 66, अब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने आउटपुट, क्योंकि अभी मैंने आउटपुट जनरेट ही नहीं किया, सेव तो हो गया। अगर आप अभी सी सी यानी उसको देखोगे ना एज को, यानी जो एज हमने वेरिएबल बनाया, तो उसके अंदर 66 है। अब वो कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर 66 है, मैं बताता हूँ। देखो उसके लिए हम करेंगे फिर से क्या, अब हमें वो जो यूजर ने एज दी, अब हमें वो दिखानी है ना उसको, उसके लिए क्या करेंगे यूज, सी आउट, तो सी आउट यूज करेंगे, और उसके लिए लेस देन साइन, और यहाँ पे लिखेंगे यूअर, शाबाश, यूअर एज, एज इज, और उसके बाद एज के बाद हम स्पेस डालेंगे और यहाँ से बाहर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए जी ई, इट मीन्स दैट वुश। देखो इसको अच्छे से समझना, सबसे पहले क्या किया हमने, यूजर से बोला कि भाई आप अपनी एज लिखिए, उसने अपनी एज लिखी, उसको हमने सेव कराया किसके अंदर, एज के अंदर, यानी जो हमारा वेरिएबल है। अब इस एज के अंदर क्या होगा, जैसे यूजर समझ लो यूजर ने यहाँ पे लिखा 30, आप मुझे बताओ एज के अंदर क्या होगा, 30 होगा ना भाई, उसने लिखा 30, हमने उसको सेव कराया एज के अंदर, यानी जो वो लिखेगा, जो भी नंबर वो लिखेगा वो हम डालेंगे किसके अंदर, एज के अंदर। और यहाँ भी बोल रहे हैं कि यूअर एज, यानी आपकी एज है एज, व्हाट डज इट मीन, यानी जो एज के अंदर एज है, अब जो वैल्यू उसमें होगा तो वही यहाँ पे आएगा। नाउ यू कैन यूज हियर एंडल, अदरवाइज यू कैन लीव इट, आप एंडल यूज कर सकते हो। इसका मतलब अभी जो हमने ऊपर किया था ना वो सी इन के अंदर एंडल, यानी आप सी इन के अंदर एंडल यूज नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से एरर जनरेट होती है, तो सी आउट में यूज कर सकते हैं, बात आ रही है समझ। सो लेट अस सेव इट, प्रेस F8, जब मैं F8 प्रेस करूंगा, F8 इज यूज्ड फॉर डिबगिंग एंड एग्जीक्यूशन। नाउ यहाँ पे बता रहा है एंटर योर एज, अब देखना मैं लिखूंगा मेरी एज है 456, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे बताएगा योर एज इज 456,
बात आ रही है सबनेस, तो यही है प्रोग्रामिंग, यानी जो आप यहाँ पे लिखोगे और उसी को आप इस तरीके से प्रिंट कराओगे। ये है सिंपल आउटपुट जनरेट कर, इनपुट लेना और आउटपुट जनरेट करने के लिए, सही है? यस सर। नाउ अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करके अब एज लिखूंगा, एग्जैक्ट एज जो भी आपकी होगी, जैसे 24, ठीक है, 24 प्लस एज है, तो यू विल एंटर, यू विल प्रेस एंटर और ये दिखाएगा 24। जो भी यानी जितनी बार भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे और जितनी बार आप वैल्यू चेंज करोगे, वही वैल्यू एज के अंदर स्टोर होगा और वही वैल्यू एज से प्रिंट हो जाएगा। बात आई समझ? Yes, sir. है ना इजी है प्रोग्राम? यस सर। वेरी गुड, तो दैट इज इट, दिस वाज आवर इनपुट स्ट्रिंग। अब आगे चल के हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड एंड लाइन, जो अभी हम यूज कर चुके हैं। एंड लाइन क्या मतलब क्या होता है? द एंड लाइन इज प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये भी प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका? ओ स्ट्रीम का, यानी आउटपुट स्ट्रीम का क्लास। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू लाइन, ये न्यू लाइन के लिए यूज होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर्स एंड फ्लशेस द स्ट्रीम। फ्लशेस द स्ट्रीम का मतलब ये होता है, यानी पुरानी वाली स्ट्रीम को ये क्या साफ कर देता है। बात आ रही है समझ? फ्लश ये वही फ्लश है, यानी जब हमने यहाँ पे एंडल यूज किया ना, इसने क्या किया, इस वाली चीज को खत्म कर दिया। खत्म करने का मतलब क्या होता है, यानी इसको यहाँ पे बोला कि बस आपका इतना ही काम था, ठीक है, तो चले जाओ आप अपने घर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी इसने लास्ट में बोला कि आपका भी हो गया फ्लश, ठीक है, तो आउटपुट जनरेट करने के बाद इसका काम ही नहीं कोई बचता, तो इसलिए एंडल यूज करना है। अगर आप नहीं भी करते हो तो इसके बगैर भी हो जाता है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो अब इसको आप यूज कैसे करते हैं, ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देन यू हैव इंट मेन, सी आउट, सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे लिखा है सी आउट बाय एआर आदिल यूसुफ, देन यहाँ पे एंडल यूज किया, फिर यहाँ पे सी आउट। अब इसको अगर हम लिखना चाहो तो यहाँ पे हमें ये तीन लाइनें लिखनी है, सी आउट पहले, सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। अब देखो इनमें क्या फर्क है, देखो मैं इन तीनों को हटा दूंगा, ये आया समझ? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज एंडल। एंडल कैसे यूज करेंगे, देखो आप लिखोगे सीधे सी आउट, सी आउट काउंट नहीं, सी आउट खाली, ठीक है, लेस देन साइंस टू, देन ब्रैकेट यहाँ पे लिखोगे सी, सॉरी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स, टी यू टी ओ आर आर ओ आर आई एल एस, सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स पहली वाली लाइन में, वही है, ठीक है। नाउ क्लोज इट विदाउट यूजिंग एंडल, एंडल के बगैर ही हम यहाँ पे क्लोज करें। अब मैं यहाँ पे सी आउट फिर से यूज करूँगा, सी आउट एंड देन यहाँ पे लेस देन साइंस, और लेस देन साइंस के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ई आर, अपना ही नाम लिखा है, ठीक है, तो वाई ओ यू एस यू एफ, तो इतना काफ़ी है। नाउ यहाँ पे मैं एंडल यूज करूँगा, क्या करूँगा यूज, एंडल करने के लिए यहाँ पे दो ये वाले इंसर्शन करने हैं, देन यहाँ पे लिखोगे ई एन डी एल, क्लोज इट। अब तीसरा देखो सी आउट, अब दिखाता हूँ फर्क क्या है इनमें, सी आउट का सी आउट फिर से यूज करेंगे, और तीसरे वाले में क्या लिखा है मैंने, एंड ऑफ लाइन, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है एंड ऑफ लाइन, यहाँ पे आप लिख सकते हो थैंक यू, टी एच ए एन के वाई ओ यू, थैंक यू। सो यहाँ पे भी आप एंडल यूज करो, एंडल के लिए ये यूज करेंगे ई एन डी एल, सही है? नाउ सेव इट एंड लेट अस एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे आप देखो सी ट्यूटोरियल, सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फिर आ रहा है इसी लाइन में ER आदिल यूसुफ, why? Because I didn't have used C++, यानी यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल एंडल यूज ही नहीं किया है, तो that's why ये इसी, अगर मैं इस वाले को भी हटा दूंगा तो तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, तो ये फिर मुझे हटाना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है? If I save it, press F8, पहले इसको एक बार क्लोज करना है, save it and press F8, now, देखो सारे एक ही, C++ ट्यूटोरियल आदिल यूसुफ, थैंक यू, ठीक है, एक ही लाइन। अब अगर तीनों को सेपरेट करना है तो फॉर दैट इन, ये देखो ये जो आखिर में हम सेमीकोलन डालते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी इसको एक सेमीकोलन को हटा दो और एफिड करो तो ये होगा ही नहीं, एरर दिखाएगा, तो दे आर एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट जो आप इन दो कोड्स के अंदर लिखते हो। बात आ रही है, इसके अंदर आप कुछ भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आप स्पेस डालो कोई काम इसे को, लेकिन बाहर वाली जितनी भी चीज़ है ना, इनमें से एक चीज़ हटा दो तो फर्क पड़ेगा इसमें से। अच्छा इसका देख लो, अभी जो अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, देखो ये आ गया, हो गए तीनों एग्जीक्यूट, ठीक है, अब इसका एक हटा दो ये, अब सेव कर लो एंड प्रेस F8, तो स्टिल इट विल शो यू एन एरर। तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक ब्रैकेट हटा लो, ये मैं खाली दिखा रहा हूँ कि एरर्स देखो नहीं मान रहा, ठीक है, तो इट मीन दैट कि यू हैव टू यूज द बोथ, आपको दोनों यूज करने हैं,
जो भी चीज जिस तरह लिखी हुई है ना yes, उसको उसी तरह लिखना पड़ता है. सो yes. अब ये वाली चीजें जो है ना, अब यहाँ पे अगर आप एडल यहाँ पे यूज करते हो, देखो मैं सारा काम ऐसे ही करूंगा लेकिन खाली एडल को बाहर रखूंगा. सही है. yes, यहाँ पे एडल कैसे लिखा हुआ, पहले ये फिर एडल फिर क्लोज. मैंने पहले क्लोज किया फिर एडल यूज किया. इफ आई सेव इट एंड प्रेस एफ एंड इट विल शो एन एरर. सो इफ आई रिमूव ऑनली दीज टू सेमी कॉलम्स एंड pasted at the end of the line, so if I execute it now it will not show any error. देखो हो गया C++ tutorials अलग line में. yes, अब इसी हिसाब से दूसरी वाले में भी एंडल यूज करो. कहाँ पे करेंगे, इस तरह यहाँ पे. ठीक है. एंड एल नाउ प्रेस एफ इट एंड आपके पास तीनों अलग अलग लाइन C++ आदिल यूसुफ एंड थैंक यू. सही है. yes, sir. आया समझ, है ना प्रोग्रामिंग इजी. yes, sir. Very good. 1035 where are the others. So ये था हमारा, चलो रहने दो अभी, अब चलते हैं पहले यहाँ पे. उसके बाद हमारे पास है C++ variables. अब यही variables क्या होते हैं, let us see. बस इसके बाद खत्म करते हैं. A variable is a name of memory location. ये जो variable होता है ये नाम होता है एक memory location का. memory location जिस तरह अभी हमने यहाँ पे That can store such type of data. Exactly. जैसे हमने यहाँ पे integer लिया था अभी और number लिया था NUMBER. ठीक है. Number is a variable. Number आपने ले लिया. ये जो number है ना, देखो इससे क्या मुराद है, int number, ये दो चीजें आपने जब ले ली तो ये variable बन गए. number क्या बन गया, जिस तरह अभी हमने एज लिया था. yes, sir. एज भी बन गया क्या, वेरिएबल. लेकिन एज को इस्तेमाल कर दो तो ये एज जो है ये फिर से वेरिएबल बन गया. नाउ व्हाट वी कैन यूज विद दिस, जब हम इंटीजर एज ले लेते हैं तो इट मींस दैट कि हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका टाइप होने वाला है इंटीजर, यानी स्टोर करेगा कौन, इंटीजर टाइप, इंटीजर्स को ये स्टोर करेगा खाली. और जो एज है, अब देखो यही यहाँ पे बोल रहा है कि ए वेरिएबल इज अ नेम, ये एक नाम होता है. इसका नाम क्या है, एज. एज ही वेरिएबल है, एज इसका नाम है. और इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर. क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर. क्यों बोलते हैं, बिकॉज इससे हमें पता चल जाता है कौन सा वेरिएबल कैसे. आइडेंटिटी का मतलब ही होता है ये आईडी कार्ड. किस बना आईडी कार्ड, बिकॉज दैट शोज आवर आइडेंटिटी. वो आइडेंटिटी बताए भाई कौन है, नाम क्या है, कहाँ रहता है, DOB क्या है. ठीक है. तो दैट इज इट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. ये और दूसरी चीज है नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन. ये एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है. मेमोरी मीनस जहाँ हम कोई चीज स्टोर कर सके, एंड लोकेशन मीनस उसका एड्रेस. इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा. ये किस लिए यूज होता है, डेटा स्टोर. अभी हमने देखा ना, एज हमने डिक्लेयर किया, फिर यूजर को बोला कि आप अपनी एज लिखो, उसने एज लिखा 4, 5, 6, वो किस में हमने स्टोर कराया, एज के अंदर. तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते. इट इज वैल्यू कैन बी चेंज, इसका वैल्यू चेंज कर हम कर सकते हैं. इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब ही होता है जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, तो दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल. कैन बी चेंज आल्सो, इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स. मैंने अभी बोला ना, आप इसको हजार बार यूज कर, हजार के लाखों बार यूज कर सकते हो. इसके इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. लाखों बार भी यूज करने से इसके पे कोई, क्योंकि दिस इज अ प्रोग्राम, इसको होगा क्या. It is a way to represent a memory location through symbol so that it can be easily identified. असल में ये definition है. It is a way to represent a memory location. ये एक तरीका होता है जिसकी मदद से आप एक memory location को represent करते हो. Represent कर रहा हूँ, जैसे मैं represent कर रहा हूँ इस वक्त हाईटेक, यानी मैं हाईटेक चला रहा हूँ. तो that is called a representation of variable. यानी variable memory location की ये represent करता है थ्रू सिंबल. सिंबल का नाम होता है, सिंबल को हम बोलते हैं इस नाम को. यानी यहाँ पे आपने एज लिखा तो एज है, नंबर लिखा तो नंबर है, आपने वेरिएबल लिखा तो वेरिएबल है, आपने कुछ भी लिखा तो कुछ भी है. तो दैट इज सिंबल. अब इस सिंबल से क्या होता है, सो दैट इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, ताकि हमें दूर से पता चले कि भाई हम ये वाला वेरिएबल यूज कर रहे हैं. जब अलग अलग वेरिएबल का अलग अलग नाम होगा तो दैट इज इट, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई देम. नाउ रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स. इसके लिए कुछ रूल है कि आप वेरिएबल को कैसे नाम दोगे, यानी डिफाइन कैसे करोगे. सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, 5 रूल्स मैंने शॉर्ट में लिखे हुए. ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. यानी वेरिएबल के अंदर जो आपने यहाँ पे एज लिखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इसमें यूअर अंडरस्कोर एज 1. क्या क्या किया मैंने इसमें यूज, यूअर दैट इज एन अल्फाबेट, यही बता रहा है ना, इट कैन बी एन अल्फाबेट्स. फिर डिजिट यूज किया लास्ट में 1. ठीक है. देन अंडरस्कोर तीसरी चीज. तो अगर आप इस तरह से यूज करोगे ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
आप बोलोगे int a your age is equal to, यहीं पे मैं इसको predefined value दूंगा, is equal to 24 years, क्या है 24. अब यहाँ पे आ जाइए, आप सी आउट कीजिए, शाबाश, सी आउट करेंगे एंड यहाँ पे ये साइन चूज करेंगे और बोलेंगे योर एज इज. अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ तक खत्म किया, अब यहाँ पे मैं फिर से यूज करूंगा, अब क्या लिखूंगा यहाँ पे जरा बताओ. वेरी गुड, योर योर एज वन, यही लिखा मैंने. उसके बाद क्लोज कर देता हूँ और एंड एल यूज करूंगा, एंड एल. नाउ क्लोज इट, सेव इट एंड एग्जीक्यूटेड. देखो क्या बता रहा है, योर एज इज 24, जो कि हमने उसके अंदर स्टोर करा है. इट मींस दैट कि ये वर्क कर रहा है. अब अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर को हटा दूं, फिर मुझे यहाँ पे भी अंडरस्कोर को हटाना होगा. बस हटा दो और एग्जीक्यूट कर दो. लेकिन अभी ये चल रहा है, तो लेट अस क्लोज इट एंड सेव इट अगेन. इसको सेव करते हैं एंड लेट अस एग्जीक्यूट. देखो आ गया, फिर भी कोई फर्क पड़ा इस पे? नो सर, नहीं. सिमिलरली इफ आई रिमूव द वन, इफ आई रिमूव वन एंड पेस्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को यूज करूंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, योर के बाद अंडरस्कोर एंड एज के बाद. अब देखो अगर पहले एरर क्रिएट करते, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, योर एज, नीचे क्या लिखा, योर एज वन, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एरर दिखाएगा. क्यों? क्योंकि गलत है. यहाँ पे आप वही लिखोगे जो ऊपर है. अब सेव करते हैं, एफ8 प्रेस करते, तो आप देखो आप यहाँ पे आ गए, योर एज 24 इयर्स, बात आ रही है समझ. अब आप यहाँ पे चाहिए, तो दैट इज इट कि आप इसके अंदर नंबर्स भी यूज कर सकते हो, शाबाश, नंबर्स भी यूज कर सकते हो, अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर्स भी यूज कर सकते हो. तो दैट इज अ वेरिएबल. नाउ दूसरी चीज, अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट. ये अल्फाबेट भी से हम भी स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से भी यूज कर सकते हैं, इन दो, खाली इन दो से. इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते. लेट अस सी, यहाँ पे अगर मैं इस अंडरस्कोर को, चलो रहने देते हैं, इस नंबर को हटा देते हैं और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर पहले यूज करूंगा, सॉरी अंडरस्कोर, ठीक है. अब यहाँ पे इस वाले अंडरस्कोर को, यहाँ पे 12 को हटा देते हैं एंड देन यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करेंगे, सही है? Yes, तो ये होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी. देखो योर एज इज 24, तो इट विल रन. बट ये बोल रहा है कि भाई अगर आपने पहले नंबर लिखा, जैसे 12 आपने लिखा और यहाँ पे भी आपने 12 लिखा, तो इट शुड नॉट वर्क, यानी इट शुड नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर. लेट अस सेव एंड प्रेस F8. दिखा रहा है यार? यस सर. व्हाई? बिकॉज़ वी कैन नेम अ वेरिएबल विद नंबर, हम नंबर नहीं दे सकते. सही है या गलत? यस सर. नाउ लेट अस मूव अगेन. ये हो गया, इट कैन स्टार्ट विद अ डिजिट. नाउ नो वाइट स्पेसेस अलाउड विद इन वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम के अंदर आप वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते. व्हाट इज वाइट स्पेस? वाइट स्पेस मींस दिस, यानी खाली, कुछ भी मत रखो. अब यहां पे भी आप यही कर लो, स्पेस डाल दो एंड प्रेस F8, इट विल नॉट वर्क. बिकॉज ये अलग, ये समझते क्या है, एक वेरिएबल है यूअर, एक है एज, लेकिन इस तरह करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से इंटीजर लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? इंटीजर. अब आप यहाँ पे एक यूज कर लो, एज कर लो यूज, तो अब अगर आप एफेट करोगे तो ये फिर भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट यू नीड टू प्रेस कॉमा, फिर आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा. एग्जैक्टली, इंटीजर को हमें एक बार हटाना होगा, कॉमा. आप देखो हो गया, योर एज 24. ये मैं दिखाऊंगा ये बाद में, ये वाली चीज, ठीक है, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे. सिंपली आज चीजें याद रखो. नाउ थर्ड थिंग इज, फोर्थ, अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी रिवर्सर. रिवर्सर वर्ड आर कीवर्ड, यानी ये वो वर्ड नहीं होना चाहिए. रिवर्सर वर्ड मीन्स ना ये कीवर्ड होना चाहिए ना इसका उल्टा. फॉर एग्जाम्पल केयर, फ्लोट, एटसेट्रा, ये हम यूज नहीं कर सकते. वैलिड वेरिएबल नेम्स, वैलिड वेरिएबल नेम्स इस तरह है, आप इंट एक्स ले सकते हो, एक्स इज इक्वल 10 कॉमा बी इज इक्वल टू 20. इसी तरह फ्लोट एफ इज इक्वल 225.8. इसी तरह कैर सी इज इक्वल टू जेड. ये तीनों हमने यूज किया, फ्लोट हमने यूज नहीं किया. फ्लोट का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इसको बस फ्लोट ले लेते हो, एफ एल ओ ए टी, आपने फ्लोट लिया, बाकी यूअर ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप यूअर ले लो, ठीक है. अब यहाँ पे 24 को अगर आप 24.9 लिखते हो, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे 24.9 ही आएगा. लेकिन अब अगर आप फ्लोट की जगह यहाँ पे इंटीजर ले लेते और अगर आगे यहाँ पे वैल्यू पास करते पॉइंट्स वाला, यानी डेसिमल नंबर, इफ यू सेव इट, अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे खाली 24 ही आएगा, 9 नहीं आएगा. बता रही है समझ? Yes, इंटीजर कहते हैं हम जो वैलिड नंबर हो, यानी पूरा नंबर, इसका फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दूसरा नाम होल नंबर. होल नंबर मीन्स विच हैज नो फ्रैक्शन पार्ट, नो डेसिमल पार्ट.
अब यहाँ पे जो है दूसरी चीज क्या है, दैट इज कि इफ यू नीड टू प्रिंट द डेसिमल नंबर, फॉर दैट यू नीड टू राइट द डेटा टाइप एफ एल ओ ए टी, ठीक है। अगर आप फ्लोट करते हो, अगर आपने फ्लोट लिखा, सेव इट। अब आप यहाँ से 24.90 भी लिख सकते हो, एफ एट प्रेस करो तो यहाँ पे नाइन खाली नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोट एक ही का सर। अब अगर आपको इससे बड़ा चाहिए, यानी दोनों डिजिट प्रिंट होने चाहिए, और राइट साइड वाला जीरो तो आएगा ही नहीं, ये वाला यूज कर लो। लेट अस सी फर्स्ट, आगे ने 09, दो तो आएंगे, 09 आएगा, या आप यहाँ पे 19 लिख लो, 19, ठीक है, 19 भी आ रहा है, तो इट मीन दैट कि इस तरह आएगा। लेकिन अगर आपको इससे बड़ा नंबर लिखना है ना डेसिमल के बाद, तो उसके लिए वेरी गुड, डबल यूज करोगे, डबल में आप 190123 इतना एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो ये 1901 दिखा रहा है, बिकॉज दिस इज मोर सिग्निफिकेंट इन फिगर्स, यानी ये मोर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो दैट इज इट, ये आगे पढ़ने वाले डबल वगैरह, तो उसके बाद क्या आ रहा, दीज आर रूल्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप यानी यही इंटीजर किसको कहते हैं, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये चीज़ें क्या है, एरे पॉइंटर, एनम और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, ओके।